नमस्कार दिन गोटाएर अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुच्छे मो शक्ति बुलेटिन को आपको ना कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस पपुलर कला पारंपरिक पखाड़ यूट्यूब्र इशाक मुंडा प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मन की बात रे संबलपुर बाबूपाली इशाक को मोदी सबासी दिन मजुरी वीडियो कला लक्ष्यपति सौम्य मृत्यु रहस्यर उठुनी परदा बलांगीर में गजपति पुलिस पांच जनिया टीम एलआईटीसी तालीम केन्द्र में ब्याचलर पार्टी देते विद्या सार दुई थर बलांगीर जा चर्चा किए से ही सार पुलिस छानभीन हाइदर एनकाउंटर स्थान में साइंटिफिक टीम सिमुलियार एनएच 16 कॉलेज निकट ट्रेटिंग करुच्छी तदंत सेपटे हाइदर मृतदेह सरला पोस्टमार्टम विशृंखला दृष्टि केन्द्रापड़ा सहरांचल समेत चार पंचायत में 144 धारा लागू नसेला संस्कृति विभाग डेस्क ऑफिसर निकोज स्वामी संतोष दल बेहरा खोजी खोजी पत्नी निराश उपरिस्थ अफिसर चापर निकोज किंवा अपहरण अभियोग आणिले पत्नी न्याय पाई मुख्यमंत्री को कले निवेदन ओलंपिक्स रे सहज विजय सिंधु अभियान आरंभ रोइंग रे अर्जुन और अरविंद जोड़ी सेमि मिक्स डबल्स रो आगरे सानिया अंकिता सुटिंग रु पुणी मिलला निराशा कमुची संक्रमण हेले कमुनी मृत्यु राज्यर पुणी 67 जीवन नेला कोरोना खोर्धा जिलार सर्वाधिक 24 मृत 24 घंटार 1833 पॉजिटिव चिन्हट एवं झारखंड महालघुचाप प्रभाव में मयूरभंज बालेश्वर और केन्दुझर में बर्षिब सतर्क कराइले एसआरसी सेपटे जुलाई 28 रे आसुची आउ एक लघुचाप मन की बात रे ओडिशा रा इशाक मुंडा को प्रधानमंत्री प्रशंसा मन की बात कार्यक्रम रे संबलपुर जिलार इशाक मुंडा कथा कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज यूट्यूब चैनल रे पारंपरिक खाद्य और निज गाँव वीडियो देखाई था इशाक जड़े यूट्यूबर भावे मार्च 2020 से काम आरंभ करते प्रथम ओडिशा रा पारंपरिक पखाड़ वीडियो देखाई चर्चा को आसी इशाक एवे सुधा निज यूट्यूब इशाक शताधिक वीडियो अपलोड आदिवासी संस्कृति और खाद्य को निज वीडियो रे देखाई था से जहाँ को प्रधानमंत्री प्रशंसा करने सह इशाक को एथिपाई सबासी मध्ये देइछन्ति हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा ये साथी है ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इशाक मुंडा जी इशाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं वे अपने वीडियोज में स्थानीय व्यंजन पारंपरिक खाना बनाने के तरीके अपने गाँव अपनी लाइफस्टाइल परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं एक यूट्यूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्च 2020 में शुरू हुई थी जब उन्होंने ओडिशा के मशहूर स्थानीय व्यंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था तब से वे सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं उनका यह प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है खासकर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवन शैली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते इशाक मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिलाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं पुलिस एनकाउंटर कुख्यात गैंगस्टर हायदर मृत बालेश्वर जिला सिमुलिया निकट रे परिश्रा वाहन रे पुलिस को चकमा दे खसी जीवा को उद्यम करथिला हायदर सांगर थिबा सुरक्षाकर्मी बंधुक चढ़ावास खसवा को उद्यम कर गैंगस्टर इस समय पुलिस हायदर को एनकाउंटर करता बेले हायदर पेट और हाथ में चारिटी गुड़ बाजी है एयदर भाव में आहत होता बेले बालेश्वर मेडिकल भर्ती करा कर तेज डाक्तर मृत घोषणा करते तेज हायदर मृतदेहर व्यवच्छेद
ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାତି 11ଟାରୁ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 11ଟା ଯାଏ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାରିମୂଳ କପାଳେଶ୍ୱର ଜମଧର ପଞ୍ଚାୟତରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 11ଟା ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ଗ୍ରୋସରୀ, ପରିବା ଓ ଆମିଷ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। କେସରେ ଆଗନ ମୁଁ କେବଳ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ସ୍ପଟରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆୟୋଗର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏମ୍ପ୍ଟି କ୍ୟାଟେଜ୍ ବାଲେ ବି କହି ନାଇଁ ନା, ଜେଲ୍ ବାଲେ ବି କହି ନାଇଁ, ଲେଖା ମାର ଦିନ ବି ଆମର ଜାଣିଛେ। ଦେଖିନେ ତିନ ଥର ଗୋଲି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ମାର ଦିନେ ପୁରା। ଯଦି ବାପା ଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ପଛରେ ଗୁଲି ଲାଗିବା କଥା, ଆଗରେ ଲାଗିଛି ତା ମାନେ କ'ଣ? ପୋଲିସ ବାଲା ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛୁ। ତିନିଟା ଚାରିଟା ଗୁଳି ଲାଗିଛି, ଆମେ ପୁରା ଆଖିରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ଯାହା ଦେଖିବେ ମୁଁ କଥା କରିପାରି ପାରୁନି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖ ମାସେ ହେଲାଣି ଲୋକସେବା ଭବନର ଡେସ୍କ ଅଫିସର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଡେସ୍କ ଅଫିସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳବେହେରା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଲେଣି ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ। ତେବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଚାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ନିଖୋଜ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଫିସ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରହୁଥିଲେ, ହସୁନଥିଲେ କି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉନଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରି ସବୁବେଳେ ଏ କଥା ହିଁ ମୋତେ ଦୁଇ ମାସ କାଳ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଫିସ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କାମ ମୋତେ ଦେଉ, ଏତେ ଏତେ କାମ ଅଫିସ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଫାଇଲ୍ ଯାକ ମୁଁ କେତେ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ପାରୁନି, ନ କଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ କିଏ ସାର୍, ସିନିୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ସାର୍, କାମ ନ ପାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆଉ କାମ ନ ପାରିଲେନି, ଏତେ କାମ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, ଖାଲି ଶାଶୁ କହିବା କଥା। ମୋତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରର ଏୟା ଏୟା ବହୁତ ପ୍ରେସର୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, କାମ ତ ଯାହା ହେଲେ କରିବାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ। ମାନେ ପେସେନ୍ସ ତ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ସବୁ। ତାପରେ ନା ନା, ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେସର ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ ଡିଲ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ସିଧା। ସର୍ବୋପରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବାସଗୃହ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉନାହିଁ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରି ଏ କଥାର ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ପ୍ରବକ୍ତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭବର ଆଇନର ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ହଁ ନାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଯାହା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
नमस्कार मु सर्वप्रथमे आपण मन को कही रखे जे आज जो विषय वस्तु परे आमे आपण मन को संबोधित करिवु इटा अति गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु सांबादिक बंधु मानक प्रति मोर यथेष्ट सम्मान रही गभीर श्रद्धा रही मोर आद्य जीवन मु आरंभ करथिली जने सांबादिक हिसाब रे तेणु मु सबुबले भावे जे मु आपण मानक भितरु भी जने कौनसी प्रकार भाव कि अन्य कौनसी आपण माने मनरे नरखी राज्यर स्वार्थ पई जहाँ भल हब से कथा करिबा उचित बोली मु आपण मानको आउ थरे मध्य निवेदन करिवि। बंधुगण आपण माने जानिथिबे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज आउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दुईटी संविधान संशोधन जरिया रे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आकु संवैधानिक संस्था भावे स्वीकृति दियागला एटा राज्य सरकार को नियंत्रण रु जे निर्वाचन को मुक्त करी भारतीय पार्लियामेंट 1991 मसिया रे दुईटी स्वतंत्र संविधान संशोधन जरिया रे ताकु संवैधानिक स्वीकृति प्रदान कले। तार तात्पर्य होची राज्य निर्वाचन कमिशन जहाँ कि भारतीय निर्वाचन कमिशन को समतुल्य भली एक संस्था ता उपरे ये पंचायती राज एवं अर्बन लोकल बॉडीज आर निर्वाचन परिचालना भार को न्यस्त करागला। बंधुगण आम मन को मनरे किछि लोकों को मनरे संदेह अच्छी जे राज्य निर्वाचन कमिशन बोधे भारतीय निर्वाचन कमिशन भली एक स्वयं शासित संस्था नुहे। ये धारणा को मु आज आपण मानक निकटरे क्लारिफाय करी सांविधानिक विधि व्यवस्था भितरे भारतीय निर्वाचन कमिशन जहाँ लोकसभा विधानसभा एवं अन्यान्य केते गुड़िए अनुष्ठान को निर्वाचन परिचालना करिवारे भारतीय निर्वाचन कमिशन को आर्टिकल 324 324 धारा जो क्षमता प्रदान करी आर्टिकल 243 के पार्ट 9 ए अंतर्भुक्त 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे जा अंतर्भुक्त करागला समान क्षमता प्रदान करी। आपण माने जानी रखंतु जे जेंती भारतीय निर्वाचन कमिशन को इम्पीचमेंट बा महाभियोग प्रस्ताव भित्तिरे बहिष्कार करा जाए से भली राज्य निर्वाचन कमिशन को बहिष्कार जदि करिबा को हुए बा तांकर अपारगता बा कार्यप्रणाली उपरे जदि प्रश्न उठे ताहले राज्य निर्वाचन कमिशन को बहिष्कार करिवार क्षमता केवल पार्लियामेंट उपरे संविधान न्यस्त करिछि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उपरे। प्लीज लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इट्स इम्पार्शियलिटी एंड क्रेडिबिलिटी एंड टू मेक इट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपणकर मन थी ये जेमती लोकसभा एवं विधानसभा तार पांच वर्ष कार्यकाल पूरीबा पूर्वरु भारतीय निर्वाचन कमिशन निर्वाचन करने को बाध्य से भली पंचायती राज एवं अर्बन लोकल बॉडीज रे निर्वाचन करने पर राज्य निर्वाचन कमिशन बाध्य आई यूज द वर्ड इट इज ओब्लिगेटरी
on the part of the State Election Commission Odisha to hold and complete the election before completion of the tenure of 5 years of the urban local bodies and the Panchayati Raj bodies. 114 पौर संस्था ओडिशा रे वर्तमान कार्य करुछि जोंथिरु पांचटी होउछि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं बाकी 109 होउछि पौर संस्था म्युनिसिपलिटी एवं नोटिफाइड एरिया काउंसिल 2018 सेप्टेम्बर मासरे 5 वर्ष कार्यकाल ये अनुष्ठान गुडीकर पुरिला राज्य निर्वाचन कमिशन प्रत्येक देखिए 5 वर्ष पूरीबा परे सेप्टेम्बर 2018 मसीहारे निर्वाचन करिबा पई तांको पक्षरे संविधानिकता बाध्यबाधकता थिला किंतु राज्य सरकार आपणकर मने थिवा आमे से प्रश्न भी सेतबेले उठेथिलु जने केयर टेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति देले मिस्टर नायक मुख्यमंत्री को दफ्तर रे जने अधस्तन कर्मचारी भावे कार्य करुथिबा जने ओएस अफिसर को प्रथम थर पई राज्य निर्वाचन कमिश्नर भावे नियुक्ति मिलला नव कुमार नायक ना नव किशोर नायक इज एन ओएस अफिसर पांचटी रिटायर्ड ओएस अफिसर मात्र वर्षक पठा जाइथिला उद्देश्य थिला जे अर्बन लोकल बॉडीज रो इलेक्शन न करै दवा पई से भद्र व्यक्ति भी सेथिरे सफल हेले मो कहिबार तात्पर्य बंधुगण आज पर्यंत आप देखिए 92 मसीहारु प्राय 2017 मसीहा पर्यंत 4 निर्वाचन कमिश्नर जाइचंती 5 निर्वाचन कमिश्नर जाइचंती देवेंद्र मिश्र अभय रथ संजीव होता अजित त्रिपाठी एवं रवि सेनापति मु पूरा ना कहूनी यही हूँ संक्षेप में कह 5 जन जाक मुख्य शासन सचिव स्तरीय भारतीय प्रशासनिक सेवार ऑफिसर प्रथम थर पर राज्य सरकार एक कलंकित अध्याय सृष्टि करी जने प्रमोटी ओएस अफिसर को एभली एक उच्च सांविधानिक पदवी से अधिष्ठित करेले तार उद्देश्य थिला राज्य रे अर्बन निर्वाचन न करै दवा पई से सफल हेले नायक महोदय से सफल हेले 19 गला 20 गला 21 बोधे सरवाई अधा गला दीर्घ 3 वर्ष पखापाखि वर्तमान बीतला आम प्रसंग आपण मैंने पचारि पारती जे आज कहीं उठेले आज उठेबार प्रासंगिकता हूँ या जे वर्तमान निर्वाचन कमिशन कहले आम चिठी लिखुचु सरकार को पंचायत निर्वाचन करू अर्बन इलेक्शन है जिलापाल मानू जो माने कोठ भागीदारी शासन चलाउचंती ऑफिसर माने मुख्यमंत्री किसी स्थावक ऑफिसर एवं किसी जन गोड़ानिया जिलापाल ये पौर संस्था गुड़िकर कार्यभार वर्तमान सारा राज्य में संभालुचंती महामारी समय आपण देखिए जे लोक मानकर प्रकृत समस्या को उपलब्धि करिवा एवं समाधान करिवा गोटे माइक्रो बॉडीज बा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मानकर जनप्रतिनिधि मानकर भूमिका थाए जनप्रतिनिधि मानकु बीजेडी दलर भी बहु बंधु जो माने आग्रही थिबे इच्छुक थिबे निर्वाचन लड़िबा पई लड़ी पारुनांति सरकारी ऑफिसर मानको पाखरे गोड़ भांगी ठिया होवार वर्तमान प्रत्येक आपण देखिबे प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति जो माने राजनीति रे थांति से बीजेडी हो कि बीजेपी हो कि कांग्रेस हो मु दलीय ऊर्ध को जाउची जे से जनप्रतिनिधि मानको वंचित करी ये सरकार ऑफिसर मानको हातरे पौर संस्था गुड़िक टेकी देइचंदी चलू करुचंदी आज्ञा श्राद्ध करुचंदी सरकारी तहबिल रु कोरोना समय रे कोटी कोटी टंका मास्क देखंतु पीपी किट देखंतु जेते कोविड मैनेजमेंट केयर सेंटर ये जिलापाल मानकर कार्यालय वर्तमान सरकारंकर दुर्नीतिर गंताघर पलटिछि निर्वाचन कलेनी पंचायत निर्वाचन हवाकु आपण 2022 मसीहा फेब्रुआरी मासरे ड्यू आमे आज ये सांबादिक सम्मेलनी जरिया रे राज्य निर्वाचन कमिशन को तागिदा करुचु आपण ओडिशा सरकार को पाखरे उत्तरदायी नुहंती आपण ओडिशा
4.5 crore जनसमुदाय पाखरे उत्तरदायी एवं संविधान पाखरे उत्तरदायी आपण निजर सांविधानिक कर्तव्य खिलाफ करथिवारो आपण को विरुद्ध रे पार्लियामेंट रे महाभिजोग प्रस्ताव आसीबो। यू आर दिस इलेक्शन कमिशन शुड बी इम्पीस्ड फॉर डेरिलेक्शन इन ड्यूटी एंड इट्स फेल्योर टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इट इज ओब्लिगेटरी मु आपण मानकर अवगति निमन्ते सुप्रीम कोर्ट एक सांविधानिक बेंच रो राय किशन सिंह तोमर वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जजमेंट रो मात्र 3 पाराग्राफ मु आपण मानको अवतारणा एवं स्पष्टता पई मु पढ़िबी। आपण काइंडली लिसन टू केयरफुली लिसन व्हाट इज द ड्यूटी एंड रेस्पन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन एवं सरकार से दायित्व कौन कर्तव्य कौन राज्य निर्वाचन कमिशन को किभली भावे सहयोग करिबा पई राज्य सरकार बाध्य से कथा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी स्पष्ट कर सारी 2005 किशन सिंह केस रे इटा दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट एंड दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ओडिशा गवर्नमेंट एंड द स्टेट इलेक्शन कमिशन। इट शुड बी ट्रीटेड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। मु पढ़ुची आपनकु देखिबे राज्य निर्वाचन कमिशन करो गोटिए घंटा भी से पदवी रे रहिबार नैतिक अधिकार नहीं। ये भावुचंती ये सरकार जने अधस्तन कर्मचारी राज्य रे मुख्य शासन सचिव थिले सरकार तांकु दयापूर्वक बोधे अनुकंपा देखेकि निर्वाचन कमिशन टे कर देइचंती तेणु सरकार जहाँ कहिबे तांको कथारे ये गोडाणिया भली काम करिवे एटा होची बोधे तांकर उपलब्धि एवं सांविधानिक विधि व्यवस्था को बुझिबारे एटा बोधे होची तांकर धारणा किंतु से धारणा को तांकर स्पष्ट करिवा पई क्लारिफाई करिवा पई मु आज सुप्रीम कोर्ट को राय को आपण मानक जरिया रे जे आमर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यर अछंदी तांको अवगति निमित्त आपण काइंडली तांको पचारंतु एटु जाय क्वेश्चन करिवा दरकार जे आपण कोन परिस्थिति रे को परिप्रेक्षी कहार इंगित कहार कथार पड़ी आपण राज्य में 3 धरी अर्बान लोकाल बड़ी जी निर्वाचन नक ये प्रशासनिक सेवार अधिकारी मानकु अलाउ कर ये अनुष्ठान गुड़ी चलवापी लोक मानकु वंचित करू वंचित कर साधारण नागरिक मानकर जिते गुड़े वेलफेयर स्कीम अच्छी ताकु हरिलुट कर एवं जनप्रतिनिधि मानकु तांकर अधिकार रु वंचित करी लोक मान जो स्वायत्त शासन जरिया रे जो फल बा जो जिते गुड़िए बेनिफिशियल स्कीम बा अधिकार पाइबारु वंचित करिवार नैतिक अधिकार राज्य निर्वाचन कमिशन को देला के स्वापन तो संविधान रो सृष्टि एवं संविधान आपन को क्षमता प्रदान करिछि आपन पार्लियामेंट पाखरे उत्तरदायी राज्य सरकार को पाखरे नुहे तार स्पष्टता पई मु आज आपन मानकु ए 2-3 पाराग्राफ ए जजमेंट रु पढ़िकरी सुनौछि। किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद एटा होछि 2006 जजमेंट चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन एवं एटा 5 जज आम जहाँ को संविधानिक बेंच बोली कहू। इन आवर ओपिनियन द एंटायर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड टू सी दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू म्युनिसिपैलिटी एवरी 5 एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसचीफ ऑफ डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड अलाउिंग द नोमिनेटेड बॉडीज टू कंटिन्यू द प्रोविजन्स हैव बीन सुटेबली एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस डिरेक्शन इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट शैल अबाइड बाय द डिरेक्शंस ऑफ द कमीशन इन द सेम मैनर इन व्हिच इट फॉलोज द डिरेक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो आप शुणुते पीतांबर आचार्य मुखपात्र भारतीय जनता पार्टी जो भाव जाणीशु पौर निर्वाचन को विलंबित राज्य एवं ए क्षेत्र में राज्य निर्वाचन कमिशन का भूमिका एवं राज्य निर्वाचन कमिशन किभली क्षमता संविधान प्रदत्त रही से संपर्क में विस्तृत भाव से सूचना दूसरे समय होटिन बर्तमान खबर को ये रखा नमस्कार।